प्रभुपाद की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवसद्गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ललिता विशाखा देवी के शरण में श्री प्रभुपाद के अनुकंपा से प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में पधारे सब भक्तों का महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद जो आश्रय तत्व है भागवत का, नौ और लक्षण आश्रय लक्षण का शरण लेने के लिए है और दसम स्कंद जो भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है उसके उत्तर अर्ध में सेकंड हाफ में सेकंड हाफ ऑफ दी टेंथ कैंटो 61 चैप्टर में चैप्टर का टाइटल तो है बलराम जी के द्वारा रुक्मी का वध। रुक्मी रुक्मणी का भाई है। कृष्ण ने जब उसको बांधा था तो बलराम ने छुड़ाया था। आज प्रद्युम्ना के पुत्र के विवाह में रुक्मी का बलराम जी वध कर देंगे, परंतु उसका जो पहला भाग है इस अध्याय का फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम वर्स 1 to 6 इसमें है रेसिप्रोकेशन ऑफ श्री कृष्ण विद हिज क्वीन्स इन द्वारका।
भगवान के अपने महर्षियों के साथ आदान प्रदान। सो आज हमको तीसरे श्लोक से आगे पढ़ना है, तो आइए तीसरे श्लोक का पाठ करते हैं। चारव अबज कोश वदनायत बाहु नेत्रा सप्रेम हास रस वीक्षित वल्भु जल्पै समोहिता भगवतो न मनो विजेतुम् भरमयी समस्तं वनिता विभुन्ना चार्व अभज कोश वदनायत बाहु नेत्रा सप्रेम हास रस वीक्षित वल्भु जल्पै समोहिता भगवतो न मनो विजेतुम् स्वेरविभर्मै समस्तं वनीत विभुनः। चार्व अभज कोश वदनायत बाहु नेत्रा प्रेम हास रस वीक्षित वल्भ जल्पै समोहिता भगवतो न मनो विजेतुम् स्वैरविभर्मै समस्तं वनिता विभुनः। इससे पहले वाले श्लोक में लिखा है कि भगवान को उनकी पत्नियां भगवान की महानता को जान नहीं पाती थी। सो इस श्लोक में पहली दो लाइन में फर्स्ट टू लाइन्स सिक्स अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ कृष्णा आर डिस्क्राइब्ड। छह भगवान श्री कृष्ण के आकर्षित रूप का और गुण का वर्णन है। वो छह क्या है? चारु अबज कोश वदन पहला है। चारु शब्द जो है उससे अंग्रेजी में हो गया चार्मिंग। चारु से ही चार्मिंग बना है। चारु का मतलब
आकर्षक सुंदर अबज। ज का मतलब जन्म लेने वाला, अब से जन्म लेने वाला मतलब पानी में जन्म लेने वाला कमल, सुंदर कमल, कोश, कमल का जो कोश होता है अंदर, वदन मुख, भगवान का मुख कैसा है, सुंदर कमल के कोश जैसा है। ये पहला आकर्षण भगवान का है, भगवान का मुख सुंदर कमल कोश जैसा है, इसको पहले देखती है। फिर इससे ज्यादा आकर्षण दूसरा क्या है, आयात बाहु, भगवान के लंबे लंबी भुजाएं, आजान भुजा, लंबी भुजाएं, कौन देखती है ये, वनिता। वनिता शब्द भगवान के महिषियां हैं जो द्वारका में, जो राधा रानी का प्रतिबिंब है, उसको यहां कहा है वनिता, विशेष नीता, जो विशेष रूप से किसी को आकर्षण करके अपनी ओर ले आए उसको कहते हैं वनिता। नियत का मतलब खींच के लाना, टू ब्रिंग क्लोज, और वी का मतलब विशेष रूप से आकर्षित करने वाली, बहुत आकर्षित करने वाली थी, वनिता थी। तो उनको क्या लग रहा था, आयात बाहु, उनसे क्वींस का भाव क्या था, महर्षियों का, रानियों का भाव क्या था, भगवान की भुजाएं जिनमें भगवान आलिंगन करते हैं, ये माधुर्य स्वकीय रस का भाव है। तो मुख से भुजाएं अधिक आकर्षक है, और फिर है नेत्र तीसरे नंबर पे, भगवान के कमल नैन, वो क्या करते हैं, प्रेम, सब प्रेम, वो जब प्रेम से हास, आंखों से पता लगता है कि हंस रहा है, क्रोध में है, आंखें समाचार दे देती हैं व्यक्ति के भाव। तो नेत्र सप्रेम हास रस विकसित, जो रस नेत्रों के द्वारा भगवान का जो प्रेम का था विकसित, वो जब दृष्टि डालते थे उससे बड़ी आकर्षित होती थी भगवान की रानियां, देवर टू मच अट्रैक्टेड बाय दैट। वलगु जलपई, वलगु आकर्षित, और जलपई का मतलब भगवान का संभाषण, जब भगवान उनसे बात करते थे तो वो बड़ी आकर्षित थी। तो ये छह गुण भगवान के रूप के, इसको हम रूप माधुरी समझ रहे हैं। सिद्धांत ये है, प्रिंसिपल ये है इन श्लोकों में कि भगवान के छह गुणों में दो गुणों का वर्णन है। भगवान क्या है, ऐश्वर्य, भगवान ऐश्वर्यवान है, और उसको कैसे दिखाया है, 16,108 रानियां उनके साथ वैभव के साथ रहते हैं, ये भगवान का ऐश्वर्य। और वैराग्य क्या दिखाया है कि वो सब भगवान को वश में नहीं कर सकती थी, ये भगवान का वैराग्य है। तो ऐश्वर्य और वैराग्य भगवान का इन श्लोकों में वर्णित है। अब ये छह गुण भगवान के जो बहुत अच्छे लगते थे, किसको, भगवान की रानियों को, भगवान की रानियों को ये सब भगवान के गुण बहुत अच्छे लगते थे, परंतु समोहिता भगवान भगवतो न मनो विजयम, सम्मोहन नहीं कर सकती थी फिर भी रानियां, आकर्षित नहीं कर सकती थी, टोटली बिवेल्डर्ड। प्रभुपाल ने कहा समोहिता टोटली बिवेल्डर्ड, भगवतो न मनोविजेतम, भगवान के मन को नहीं जीत सकती थी, दे कुड नॉट कॉन्कर द माइंड ऑफ
कृष्ण स्वयं विभर विभ्रमय समस्कम वनिता विभुन विभुमन। वो रानियां प्रयास करती थी आकर्षित करने के लिए, कर नहीं सकती, समक्षम करने कर नहीं सकती थी, नॉट एबल टू कंट्रोल, वर नॉट एबल। वनिता विशेष रूप से आकर्षण करने वाली भगवान की रानियां, विभुना ये शब्द जो है सारे श्लोक में क्यों नहीं कर सकती थी। विभुना भगवान विभु है, अनंत है, वो आकर्षण का कारण है। हु इज दिस ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन? कृष्ण। तो वो विभु है इसलिए वो अनंत है इसलिए उसको आकर्षित नहीं कर सकती। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का अनुवाद ये है, द सुप्रीम लॉर्ड्स वाइज वर फुली एंचेंटेड बाय हिज लवली लोटस लाइक फेस। द सुप्रीम लॉर्ड्स वाइज वर फुली एंचेंटेड बाय हिज लवली लोटस लाइक फेस। चारु अबज कोश वदन, ये पहली लाइन है। और एनचांटेड जो शब्द है वो कहां लिखा है इसमें? पहला, दूसरा, हिज लॉन्ग आर्म्स आयात बाहु, लार्ज आईज नेत्र, हिज लविंग ग्लांसेस रस विकसित आंगन, इम्ब्यूड विथ लाफ्टर हास, हिज चार्मिंग टॉक्स विद देम वल्गु जलपई, बट विद ऑल देयर चार्म्स द लेडीज कुड नॉट कॉन्कर द माइंड ऑफ ऑल पावरफुल लॉर्ड। ऑल पावरफुल लॉर्ड विभुना, विभुना। सुश्री प्रभुपाद के शिष्यों ने चार लाइनें लिखी हैं। The previous verse stated that Lord Krishna's queen could not understand the truth of the Lord. भगवान के सत्य को भगवान की रानियां नहीं जान सकती थी। कोई नहीं जान सकता है भगवान के सत्य को, भगवान अनंत है, क्यों नहीं जान सकती थी? This truth is explained in the present verse. वो क्या truth है? विभुना। क्यों नहीं जान सकती थी? Why was we cannot understand Krishna? Nobody can understand Krishna because Krishna is Vibhunaha. The Lord is all powerful, Vibhunaha, sarvashaktiman, full in himself, अपने आप में परिपूर्ण है, with infinite opulence, अनंत ऐश्वर्य से, इसलिए भगवान को कोई जान नहीं सकता। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, कृष्णस वाइव्स हु वर कंट्रोल्ड जस्ट बाय हिज स्पेक्टुलर ब्यूटी। भगवान की पत्नियां भगवान के सौंदर्य से आकर्षित थी। वो दो प्रकार का आकर्षित था, चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, दो प्रकार का आकर्षित था। एक और यह आकर्षण कौन सा था? यह था माधुर्य रस। कौन सा माधुर्य रस? स्वकीय भाव। द्वारका में स्वकीय भाव है, वृंदावन में परकीय भाव है। तो स्वकीय भाव भगवान के रानियों का जो था वो दो प्रकार का था। पहला प्रेममयी, प्रेममयी, श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। और दूसरा था काममय। ये जो तीसरा और चौथा श्लोक है इसमें काममय भाव है। काममय भाव से भगवान जीते नहीं जा सकते। बाय लस्टी डिजायर्स नोबडी कैन कॉन्कर कृष्ण, बट बाय प्योर लव कृष्ण इज इजीली कॉन्कर्ड। तो दो प्रकार के भाव भगवान की रानियों के थे, टू टाइप ऑफ। चक्रवर्ती राज
two types of conjugal affection, premmai full of love and kammai full of lust. Two verses, verse number 3 and 4, describe how they could not bring Krishna under their control with their kammai affection. Kammai affection se Bhagwan ko bas mein nahi kiya ja sakta, kyunki Bhagwan anang hai. Bhagwan anang hai. कामदेव को विजय, कामदेव का नाम है मदन, भगवान है मदन मोहन. कामदेव श्री कृष्ण की रास विहार से पहले कामदेव आया, छह ऋतुओं के अपने सौंदर्य को पुष्पों के बाणों को लेकर आया. कृष्ण ने देखा कौन हो, बोला कामदेव हूं. बोला बच्चे क्यों आए हो, बोला आपसे युद्ध करना है. तो भगवान ने कहा कौन सा युद्ध करोगे, मैदान का युद्ध करोगे या किले का युद्ध करोगे, इन फोर्ट आर ऑन द फील्ड. कामदेव ने कहा दोनों युद्ध में अंतर क्या है. बोला फोर्ट का युद्ध किले का युद्ध है कि मैं समाधि में बैठता हूं, आप मुझे विचलित करके दिखाओ. बोला ऐसे तो शंकर भी समाधि में बैठा था, मैंने उसको विचलित कर दिया था. मैदान का युद्ध क्या है, ओपन फील्ड का वार क्या है. बोला मैं बांसुरी बजाता हूं, गोपियों के साथ रास विहार करता हूं, आप मुझे मोहित करके दिखाओ. तो कहा मेरे को ये युद्ध पसंद है, मैं ओपन का युद्ध करूंगा, फील्ड का युद्ध करूंगा. तो भगवान ने कहा ठीक है, अपने बाण तैयार करो. भगवान त्रिभंग ललित में खड़े होकर अपनी बांसुरी को अधरू पे पधराया और कामदेव ने निशाना लगाया इसे, और जैसे कृष्ण के रूप को देखा बाण हाथ से गिरा और कामदेव गिर पड़ा. ऐ भगवान ने कहा लड़ाई शुरू नहीं हुई है, बांसुरी भी नहीं बाजे भी नहीं बजे, उससे पहले मूर्ख तू गिर गया, जा. तो भगवान का नाम क्या हो गया, मदन मोहन, मदन को मोहित करने वाला. यहां से कहां चला गया ये कामदेव, कहां चला गया, गोपियों के हृदय में चला गया जिनको भगवान ने बुलाया था. अब वो काम के भाव से जब आई कामदेव उनके हृदय में घुस गया, तो भगवान ने कहा देखने आई थी रात ना, चांदनी रात देख ली ना, जमुना जी को देखा ना, आ जाओ घर, तुम्हारे पति इंतजार कर रहे हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं. ऐसे भगवान ने उनके हृदय में विरह क्यों उत्पन्न किया, कि उनके दिल में आग लगेगी ना विरह की, उसमें कामदेव भुन जाएगा अपने आप. वो कामदेव को फ्राई करने के लिए अच्छी तरह से उनके हृदय में, और कामदेव उनके हृदय से जैसे ही भाग गया, भगवान ने उनके साथ राज कर ली. तो यहां काम से भगवान को जीता नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान आपत काम है, आत्मा राम है, आपत काम है और अनंग है. इसका मतलब है एक गायत्री, काम गायत्री में कृष्ण को अनंग कहा गया है. तो वास्तव में कृष्ण को कौन वश में कर सकता है, जो अनंग स्तर के ऊपर हो. अनंग स्तर का मतलब जो शरीर के स्तर से ऊपर हो, the one who is beyond the bodily concept. और बॉडी तीन गुणों की बनी हुई, इसका मतलब जो beyond three modes of material nature, जो तीनों गुणों से ऊपर हो, वो भगवान को आकर्षित कर सकता है. और तीनों गुणों से ऊपर जाने का एक ही रास्ता है, अभी विचारे न भक्ति योगे न सगुणान समतैतेता ब्रह्म भूया ये कल्पते. तो इसलिए चक्रवर्ती पद आगे लिखते हैं, the queens were totally enchanted by Krishna's face, which was as charming as walls of the lotus. Abaj Kosh. His long arms, elongated eyes, loving smile and his charming conversation. ये छह चीजें जो आकर्षित करती थी भगवान की रानी को. But none of the queen, even with all their seductive beauty, Vanita, could conquer Krishna's mind. भगवान के न मनोविजेता. The reason for this is stated by the word Vibhuna. क्योंकि भगवान विभूना है,
which means that by his very nature Krishna and not them is the most perfectly desirable object. अब विभुना का अर्थ क्या लिखते हैं चक्रदीपा? Krishna is the most perfect object, desirable object, not queens. कौन सा विषय भाई भगवान विषय है उसी को हमको पाना है, इसलिए विभुना का अर्थ है जिसको पाए। ये विभुना शब्द मैं समझता हूँ भीष्म पिता मैंने प्रार्थना में कहा है, इति मति उपकल्पिता वित्रषणा विभुना। ये भीष्म पिता माना भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहा है, हे विभुना मेरी मति, मेरी बुद्धि, कैसी बुद्धि है मेरी? वित्रषणा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, इसका मतलब शुद्ध है, ऐसी बुद्धि को कहते हैं भागवत में सती मति मुकंदे। वो मति जो सती है, जो मुकंद में लगती है, वो है वित्रषणा बुद्धि, और उस बुद्धि में भगवान निवास करना चाहते हैं। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि, मई ये मन आधस्व मई बुद्धि में निवेश, मुझे बुद्धि में निवास कराओ, बुद्धि में निवास कराओ मुझे। और बुद्धि में निवास कराने के लिए एक अर्जुन उदाहरण है जिसने भगवान को सारथी बनाया, बुद्धि में बिठा दिया। एक भीष्म पितामह उदाहरण जो कहते हैं मेरी बुद्धि में आके बैठ जाओ। आप विभुना हो, आप अनंत हो, परंतु मेरी बुद्धि बहुत पवित्र है। एक बुद्धि भागवत में है सती मती मुकंदे, और दूसरी बुद्धि भागवत में है पुरंजनी बुद्धि, जो शरीर में रंजन करना चाहती है। तो पुरंजनी बुद्धि काम वाली बुद्धि है, उससे भगवान वशीभूत नहीं होते। जो सती मति है उसमें भगवान आकर्षित होते हैं। वैसे मति शब्द का अर्थ है मत, जैसे मतदान करते हैं, इसका मतलब चुनना किसी को, तो चुनना कृष्ण को है, ये मति की परिभाषा है। वो बुद्धि जो कृष्ण को चुन लेती है, और यही परिभाषा गायत्री मंत्र की है, वरेण्यम धी मई, हमारी बुद्धि भगवान का वरण करे। वरण करे का मतलब है भगवान को हमारी बुद्धि में निवास कराए, और यही भागवत के पहले श्लोक में भी है, सत्यम परम धीमहि, वो जो परम सत्य श्री कृष्ण है वो हमारी बुद्धि में। तो भगवान को मन से, भगवान के मन को बस में नहीं किया जा सकता, बुद्धि में भगवान को बिठाया जा सकता है। अब चक्रवर्ती पाद इसके बाद लघु वैष्णव तोषणी में लिखा है, ही मतलब कृष्ण दस अपियर वेरी लस्टी, ये जो छह भगवान के आकर्षक गुण हैं, सुंदर मुख कमल कोश जैसा, बड़ी बड़ी भुजाएं आकर्षण करने के लिए, सनातन गोस्वामी लिखते हैं मुख से भुजाएं ज्यादा आकर्षित है क्योंकि वो आलिंगन करने के लिए, उससे ज्यादा भगवान की जो साइड लॉन्ग ग्लैंसेज हैं जो देखते हैं कहीं से, वो अधिक आकर्षित है, उससे ज्यादा भगवान का मुस्कुराना आकर्षित है, और उससे ज्यादा भगवान का वल्गु जल्प ही आकर्षित है, मधुर बोल के आकर्षण करना है। ये सब ऐसे लग रहे थे कि भगवान दस ही अपियर्स वेरी लस्टी, भगवान ऐसे लगता है कामी है। नो, जीव गोस्वामी कहते नहीं, ही वॉज कंट्रोल्ड बाय देयर प्रेम, उनके काम से वशीभूत नहीं थे, उनके प्रेम से वशीभूत थे। That is shown along with their bewilderment in two verses. ये दो श्लोकों में ये बताया गया है कि भगवान को वो काम मई माधुर्य रस से अपने बस में नहीं कर सकी, परंतु प्रेम मई रस से कर सकी।
Vanita means woman who caused his intense anurag. वो स्त्री जिसका बहुत ही इंटेंस अनुराग, अनु का मतलब किसी की सुंदरता को देख के उसमें आकर्षित होगा, ये हो गया अनुराग। और अति अनुराग जिसका किसी में हो उसको वनिता कहते हैं। और वनिता का हमने सामान्य अर्थ कहा विशेष रूप से जो किसी को आकर्षण करने में समर्थ हो। नीत का मतलब किसी को खींच के नजदीक लाना, तो जो किसी को अपनी ओर आकर्षित करे किससे, इंटेंस अनुराग से। और अनुराग के उपरांत लिखा है दे वुड नॉट एट ऑल सम असक्तम मतलब पूर्ण रूप से भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं सकी। दे कुड नॉट एट ऑल कंट्रोल जेतुम द माइंड ऑफ लॉर्ड विथ देयर फेमिनन स्वई गेस्टर्स विभ्रमई, अपने आकर्षित हाव भाव से भगवान के मन को जीत नहीं सकी। एज मच एज हिज वाइफ विद द मोस्ट इंटेंस प्रेम से जीत पाई लेकिन काम से जीत नहीं पाई, बट ओनली टू द डिग्री ऑफ देयर प्रेम फॉर हिम, कितना जीत पाई जितना उनका प्रेम था उतना भगवान उनके बस में हुआ। अकॉर्डिंग टू देयर प्रेम ही हैड प्रेम सप्रेम। द वर्ड वनिता बिलव्ड वुमन इंडिकेट दैट ही डिड नॉट लीव देयर हाउस भगवान। अब ये एक घर की बात है, जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ये एक घर की बात है और 16,100 घरों में 108 घरों में ये लीला होती थी और सब समझते थे हमारे घर में कृष्ण रह रहा है। Would not leave their houses and was controlled by them. Though the prefix sama and vi in this verse indicate the same meaning, the word sama indicates science in the Lord and that he was controlled and vi indicates science in his wives that they could do it. ये फिर संस्कृत के शब्दों की परिभाषा दे रहे हैं। None of this was visible, दिखता नहीं था। This was cause of the wives making gestures. They were completely agitated, some mohita, with prem by his beautiful lotus face, etc. First he saw his face. पहले उन्होंने भगवान का मुख देखा। Then they lowered their eyes in shyness, लज्जा से आंखों को नीचे कर लिया। And saw his arms, नीचे देखा तो भगवान की बड़ी आजान लंबित भुजाएं देखी। Then they boldly developed the urge to embrace him tightly. अब उनके मन में भगवान को आलिंगन करने की इच्छा हुई। Again they looked at his face and met his eyes with their. अब आंखों से आंखें मिलाई, चार आंखें हो गई। Then he glanced at them. भगवान ने उनके ऊपर अपना कटाक्ष दृष्टि डाली with joyful eyes and spoke to them. अब भगवान ने बात किया। अब वो शब्द जो छे हैं उनको प्रैक्टिकल कैसे किया भगवान ने और उनकी रानियों ने उसका वर्णन कर रहे श्री राजीव गोस्वामी। और फिर कह रहे हैं दे वर म्यूचुअली कंट्रोल्ड बाय ईच अदर्स प्रेम दो दे ट्राइड टू कंट्रोल हिज माइंड लाइक द वाइफ्स विद द हाईएस्ट प्रेम थ्रू देयर गेस्चर फिल्ड विद द डिजायर He could not be controlled. He had no material lust, but a special prem. भगवान में काम नहीं है, आपत काम है, परंतु प्रेम का तो भगवान प्रेम का आगार है, कृष्ण प्रेम का आगार है, प्रेम माधुरी, ये कृष्ण में विशेष है प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, ये सब भगवान में है। तो ये भगवान प्रेम से तो परिपूर्ण है, विशेष काम नहीं है भगवान में। दैट वॉज स्वीटेबल फॉर हिम सिंस ही बाय हिज नेचर वॉज कंप्लीटली परफेक्ट विभुनम विद एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन हिम विभुनम सब कुछ उसी के ऊपर। देयरफॉर लस्ट वॉज नॉट पॉसिबल इन हिम भगवान में काम नहीं हो सकता।
प्रभुपाद से प्रभुपाद के एक शिष्य ने पूछा था एक बार कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सेक्स है क्या, क्या वहां काम है? प्रभुपाद ने कहा भगवान विष्णु को सृष्टि करनी थी, लक्ष्मी चरणों के पास बैठी थी, उसने लक्ष्मी को देखा ही नहीं और ब्रह्मा जी को अपनी नाभि से पैदा कर दिया। प्रभुपाद ने ये उदाहरण देखे, कहा वहां परवर्टेड लस्ट का कंसेप्ट नहीं है, वहां भगवान केवल देखने से सारी सृष्टि कर सकते हैं, इसलिए वहां शुद्ध प्रेम है। इसका मतलब काम भगवान में है ही नहीं, तो उससे काम से कैसे उसको वश में करेंगे? भाई जिसमें काम है ही नहीं उसको काम से कैसे वश में करोगे? तो प्रेम की मूर्ति है, प्रेम से उसको। अब ये श्लोक लिख रहे हैं, therefore lust was not possible in him, but he had the great quality of being controlled by his devotees. तब ये श्लोक लिखा है, अहम भक्त प्राधीनो हय अवसन अश्वतंत्र इव द्वेजा। ये भगवान वैकुंठ में कह रहे, दुर्वासा को जो कितना शक्तिशाली था वैकुंठ में शरीर में चला गया था, दुर्वासा की सामर्थ्य को देखिए कि वैकुंठ में शरीर गया था, पहले ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक में गया, ब्रह्मा जी ने कहा पधारिए दुर्वासा जी, बोला चक्कर पीछे है, बोला चक्कर के चक्कर में नहीं पड़ना, आगे चलो। शंकर जी के पास बोला भैया आओ, बोला चक्कर, बोला चक्कर में के चक्कर में हम भी नहीं पड़ेंगे, तब वैकुंठ पहुंच गया। भगवान ने ये श्लोक कह दिया, अहम भक्त प्राधीनु, मैं भक्तों के बस में हूं, हई न अस्वतंत्र, मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं, हे ब्राह्मण साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त ही भक्त जनप्रिय। भक्त सदा मुझे अपने हृदय में रखते हैं और मैं भक्तों को अपने हृदय में रखता हूं। ओ ब्राह्मण आई एम कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ माई डिवोटीज, आई एम नॉट एट ऑल इंडिपेंडेंट, माई हार्ट इज कंट्रोल्ड बाई प्योर डिवोटीज, व्हाट यू स्पीक ऑफ माई डिवोटी, इवन दोज हु आर डिवोटी ऑफ माई डिवोटी आर वेरी डियर टू मी, मेरे भक्तों के भक्त भी मुझे बहुत प्रिय है। और फिर एक और श्लोक गोपाल साहब ने उपनिषद से दिया है, हाँ हाँ ये है, विद्यामयो ही यह स कथम विषयी भवेत। विद्यामयो भगवान कैसा है? विद्यामय, वो विद्या का ही बना हुआ है। भाई चित्त का क्या अर्थ है? सत्य चित्त आनंद चित्त का अर्थ क्या है? पूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, चित्त का मतलब परिपूर्ण ज्ञान, इसका मतलब विद्यामय है भगवान। तो विद्यामय ही यह स कथम विषय भवेत, वो विषय कैसे होगा? जो विद्यामय है वो विषय नहीं हो सकता। विद्यामय कथम विषय, और यो ही कामेन कामान कामते स कामी भवेत, हाउ कैन ही हु इज फुल ऑफ नॉलेज बी अट्रैक्टेड टू मटेरियल ऑब्जेक्ट, ही हु डिजायर मटेरियल ऑब्जेक्ट विथ लस्ट इज मटेरियल एंजॉयिंग, ही हु डिजायर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ लव फॉर यू कृष्णा इज विदाउट मटेरियल डिजायर। गोपाल टिप्पणी भगवान को चाहता है प्रेम से, वही भगवान को वश में कर सकता है, नहीं तो भगवान विद्या विद्यामय है उसको वश में नहीं किया जा सकता। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, द फीचर्स ऑफ कृष्णा डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पावर टू बिवेंडर, मोर देन हिज फेस हिज लॉन्ग आर्म्स अट्रैक्टिव ज्यादा है, क्यों? वर अट्रैक्टिव विद देयर टाइट एम्ब्रेस, ही कुड बिवेंडर देम बिकॉज ही वॉज कैपेबल ऑफ एस्टॉनिशिंग अट्रैक्टिवनेस। भगवान दो देवर कंप्लीटली अट्रैक्टेड टू हिम समोहिता,
Could they not at all control the mind of powerful Lord by their intense bhakti? Yes, they could control his mind. Why? By their extraordinary charm filled with special prem. तो सिद्धांत ये है, काम से भगवान को वश में नहीं किया जा सकता, प्रेम से किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान की रानियां भगवान से प्रेम करती थी, काम नहीं था। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, काम नहीं था। काम और प्रेम में दिन रात का अंतर है, काम और प्रेम में दिन रात का अंतर है, जितना लोहे और सोने में अंतर है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति नाम धरे प्रेम, कृष्ण के इंद्रिय को प्रसन्न करना है उसको प्रेम कहते हैं। और ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करती थी, अपनी प्रसन्नता। जब अपनी प्रसन्नता का विचार आता था तो वो हो गया काममयी, वो कृष्ण को वश में नहीं कर सकता। गोपियों में ये भाव आया कि कृष्ण हमारे साथ केवल है, तो कृष्ण अदृश्य हो गए, तब अदृश्य हो गए। तो ये हमारे लिए शिक्षा के लिए है प्राय, कि भगवान के प्रति कुछ मांगने, काम का अर्थ इच्छा भी है, काममय का अर्थ है इच्छा, भगवान से कुछ मांगने के भाव से, भगवान से प्रेम करने का भाव ऊंचा है। इस दुनिया मंदिर में जितने लोग आते हैं ना, आप वहां देख लेना, 99.9% भगवान से मांगने आते हैं, भगवान से मांगने आते हैं, भगवान को सेवा में लगाने के लिए आते हैं। आके कहते हैं भगवान मेरे बेटे को नौकरी दिला देना, बेटी की शादी करा देना, जमाई को धंधे लगा देना, यही काम करने आते हैं ना, पूछ लेना, सब आते हैं उनसे, भगवान को सेवा में लगाने आते हैं। सेवा करने कौन आता है बताओ? भगवान से मांगने आते हैं, भगवान को प्रेम करने कौन आता है? तो ये श्लोक कह रहा है कि हमें भगवान से मांगने नहीं, भगवान से प्रेम करने के लिए आना चाहिए। मंदिर में हमारे को भगवान की सेवा करने के लिए आना चाहिए, न कि भगवान को सेवा में लगाने के लिए आना चाहिए। ये रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे बिना छत के भजन कर रहे थे, गर्मी में राधा रानी अपने आंचल से छाया कर रही थी, तो सनातन गोस्वामी ने कहा स्वामिनी की सेवा करने के लिए आए हैं, इनकी सेवा लेने के लिए नहीं आए हैं, बनाओ झोपड़ी घास की। तो ये बहुत बड़ी बात है सिद्धांत में, हम भक्तों के लिए यहाँ भगवान से प्रेम करने के लिए आना है, भगवान से मांगने नहीं आना है, भगवान की सेवा करने के लिए आया ना है, भगवान को सेवा में लगाने के लिए नहीं आना है। वैसे ही भगवान इतनी हमारी सेवा कर रहे हैं, मुफ्त में हवा दे दिए, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, कोरोना के समय में ऑक्सीजन कितनी महंगी हो गई थी। वो एक इटली के, मैं बूढ़ा था 90 साल का, एक महीना ऑक्सीजन के ऊपर रहा, और महीने के बाद बच के घर गया तो उसको 9 लाख रुपया बिल दिया, तो रोने लगा, तो सबने कहा क्यों पैसे नहीं है क्या? बोला पैसे बहुत पड़े हैं। बोला रो क्यों रहे हो? बोला एक महीने का तुम 9 लाख रुपया बिल दे रहे हो, 90 साल मैंने मुफ्त में भगवान की ऑक्सीजन खाई, एक रुपया भी नहीं मांगा। तो कितना बड़ा भगवान दयालु है, कभी देखो तो सही। तो वो कितनी हमारी सेवा कर रहे हैं, कभी इसको सोचा है? आप सो जाते हो, दिल कौन आपका चला रहा है? वो कहते मैं सर्वस्व हूं, हृदय सन्निविष्ट हूं, सबके दिल में बैठा हूं, चला रहा हूं, सांस कौन चला रहा है? आप तो भोजन खा के यहां से नीचे डाल देते हो, अंदर पका कौन रहा है? पचामी अनम चतुर्विजम, मैं पका रहा हूं, सफाई अंदर कर रहा हूं, कितनी सेवा पहले कर रहा है, फिर उसको सेवा में। अब हमको सेवा करनी चाहिए भगवान की, हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए। फिर सनातन, मेरे घर 8:30 हो गए, यही श्लोक सनातन गोस्वामी अहम भक्त प्राधीन हो, यही श्लोक लिखा है। Thus by mutual love both parties become bewildered. भगवान और भगवान की रानियां प्रेम के कारण विमोहित हो गई। Or they could control his mind in a special way like the gopis controlled him. सनातन गोस्वामी कहते हैं जैसे गोपियों ने भगवान को वश में किया, ऐसे रानियों ने स्वकीय प्रेम से वश में किया और गोपियों ने परकीय प्रेम से वश में किया।
या हमारा ये श्लोक पूरा होता है, मुझे कहा तो गया था 6 तक, लेकिन मैं तो तीसरे श्लोक को पूरा कर पाया। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा हो। अब 2 श्लोक जो है इसमें काम का भाव है, इसलिए भगवान बस में नहीं होते हैं, इसमें ही लिखा है 4 श्लोक में, इतने सारे उनके हाव भाव भी भगवान को बस में नहीं कर सके। फिर लिखेंगे प्रेम से बस में हो जाता है भगवान। कौन से प्रेम से? तब बताएंगे 6 श्लोक में कि भगवान के बैठने का आसन, पानी पीने के लिए, सुलाने के लिए, बाल बनाने के लिए हजारों सेविकाएं थी, लेकिन वो ये सब रानियां अपने हाथ से करना चाहती थी। ये था उनकी सेवा का भाव, और इस सेवा के भाव ने भगवान को अपने बस में कर लिया। 6 श्लोक में जाके ये आएगा। आज 1 श्लोक तीसरा ही हमने किया है। अब किसी का कोई प्रश्न दे दिया सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Prayed by Chitraketu. Achita Chitta Samamatis, Chitarabhi Bhavan, Savadin Bhavan. So, in that Bhagavad Prabhupada writes that Krishna's devotees conquer him, and then Krishna conquers his devotees. The right example is the gopis. Whenever Krishna would play flute, they would come running, they cannot remain. And then Krishna cannot remain. आत्मा राम की माना है, जिसकी आत्मा राधा है उसमें वो रमण करता है, ये है राधा रमण, ये आत्मा राम की परिभाषा है। यस्य आत्मा राधा स आत्मा राम, और ये सारी गोपियां राधा रानी का काया व्यू है, इसका मतलब राधा रानी ही है। ये सारी रानियां राधा रानी का प्रतिबिंब है, इसलिए ये भी राधा रानी ही है, एक्सपेंशन है उसकी, इसलिए इसमें भगवान रमण करते हैं। यही तो आत्मा राम का अर्थ है। यस्य आत्मा राधा स आत्मा राम। आपत काम, भगवान में किसी की कामना नहीं है, काम नहीं है, परंतु सब ये प्रेम करती हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं गोपियाद कामा दिखा, इसलिए है कि प्रेम का कोई जानता ही नहीं है दुनिया में, काम को ही सबसे महान जाना जाता है, लेकिन ये वास्तव में शुद्ध प्रेम है जिसको गोपियाद कामा कहा गया है। तो भगवान इसको तो सीधी बात, इसका सीधा अर्थ ये है, भगवान से भी भगवान के भक्त प्रभुपाद की भाषा में ज्यादा आकर्षित करते हैं भगवान को, भक्त ज्यादा आकर्षित करते हैं। और इसी को प्रभुपाद कटाक्ष में कहते थे, अरे ये सब ज्ञानी मायावादी कहते हैं हम भगवान बनना चाहते हैं, बनने दीजिए, हम भगवान का बाप बनना चाहते हैं, भगवान हमारे चप्पल उठा के आते हैं। प्रभुपाद ऐसा कहा करता था, भाई नंद बाबा के चप्पल उठा के आते थे कि नहीं आते थे कृष्ण, तो बनने दो इनको भगवान। तो ये भगवान के भक्त भगवान को ज्यादा बस में कर लेते हैं। हम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के बस में हो जाता हूं, लेकिन कौन से भक्तों के जो प्रेम करते हैं, और प्रेम का स्तर बहुत ऊपर का स्तर है जी, प्रेम का स्तर बहुत ऊपर का स्तर है। सांद्र आनंद विशेष आत्मा, ये प्रेम जब आता है भक्ति में, ये बहुत ऊपर का स्तर है। कृष्ण आकर्षण, तब कृष्ण आकर्षित हो जाता है, और वहां भी प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है राधा की ओर कृष्ण आकर्षण होता है, इसका मतलब प्रेम और सेवा की ओर कृष्ण आकर्षण होता है।
इसलिए हमारा स्वरूप ही है प्रेममय सेवा करना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, प्रेममय सेवा करना हमारा स्वरूप है। और वैसे हम भी श्री कृष्ण के अंश हैं उनकी शक्ति के माध्यम से, तो एक दृष्टि से हमारे को भी भगवान से वैसे ही प्रेम करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए, और यही सारा कृष्ण भावना का मुख्य उद्देश्य है। हरे कृष्ण। हाँ देवकीनंदन प्रभु जी, वलगु जलपाई। हाँ, तो टोटल 10 प्रकार के जल होते हैं अकॉर्डिंग टू जल निर्माण। प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उजल्प, संजल्प, अजल्प, अभिजल्प, अजल्प, प्रतिजल्प एंड सुजल्प। इसमें से जो 9 जल्प है उस पर अधिकार है केवल ब्रजवासियों, और अन्य लोगों का जो अधिकार है केवल एक जल्प पर है, वह है सूर्य पर। यानी जो माधुर्यमय भाव वाले हैं वो 9 प्रकार के, जैसे पहला है प्रजल्प मतलब आउट ऑफ एनीथिंग गुस्सा में, जैसे भ्रमर गीत में राधा रानी। ये 10 जल्प भ्रमर गीत के हैं। हाँ। भ्रमर गीत के 10 श्लोक ये सब जल्प उसमें है। वही 10 है, और उसके लिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है पता है, कि आई कैन नॉट ट्रांसलेट द इंग्लिश वर्ड फॉर दिस। प्रभुपाद ने लिखा है आई कैन नॉट ट्रांसलेट इंग्लिश वर्ड फॉर दिस। तो मैं ये कह रहा था कि अंग जितने भी जल है, जल मतलब लेकिन केवल गोपियों का और जो माधुर्य भाव में है उनका ही अधिकार है अंग 9 जल्पों के विषय में बात करने के लिए, और अन्य लोग चाहे वो ईश्वर के भाव में हो, चाहे नील पाए हो, कोई भी हो, किसी प्रकार का हो, वह केवल सुजल्प में ही बात कर सकता है। सुजल्प। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर पलदू जल था। ये बात कैसे थी, बड़ी ही मनोरम बात थी, मन को अच्छा लगने वाला अट्रैक्टिव बात था, यानी इन्हें प्रशंसा किया जा सकता। तो बहुत अच्छा है। जल्प 10 प्रकार के हैं, ये 10 प्रकार के भाव गोपियों ने उद्धव के आने के ऊपर भ्रमर गीत में कहे हैं, जो उज्ज्वल नीलमणि में है, उसमें से प्रभु जी कहते हैं 9 जल्प जो है वो तो केवल अधिकार है माधुर्य रस वालों का, और हम जो अन्य रसों में हैं वो केवल सुजल्प कर सकते हैं। ये प्रभु जी का कमेंट है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय बजरंग बली। बोलो हनुमान जी। प्रभु जी आप बहुत सुंदर तरीके से समझाया, हम आपके आभारी हैं सब लोग। एक ही मेरा कमेंट है कि गोपियाँ जब आगे चलती थी तब कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते थे, और सभी दुनिया कृष्ण के पीछे दौड़ रही है, लेकिन कृष्ण गोपियों के पीछे चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गोपियों आपका जो प्रेम है, आपका जो सेवा समर्पण है, इससे मैं आपके रूप में हूँ, मैं आपके कब्जा में हूँ, इसलिए आपका पैरों का धूल मेरे सर पर पड़े तो मैं अपने आप को कृतकृत समझता हूँ। ये प्रभु की हरे हरे कृष्ण। गोपियों के भगवान पीछे पीछे चलते थे क्योंकि भगवान गोपियों से प्रेम करते थे और गोपियां भगवान से प्रेम करते थे। वो कहते पीछे इसलिए चलते थे कि गोपियों के चरणों की रज भगवान कहते हैं मुझे मिलेगी, इसलिए गोपियां मानती हैं हनुमान जी कह रहे हैं।
वैसे गोपियों ने अपने चरणों की रज भगवान के सर के दर्द के लिए भेज दी थी नारद के साथ, इसलिए भगवान को वो रज पसंद है। भगवान ने अपनी कृपा वृंदावन में ब्रज की रज में रखी है, ब्रज की रज में भगवान ने वृंदावन में अपनी कृपा रखी है। चेतन महाप्रभु ने अपनी कृपा हरे कृष्ण मंत्र में रखी है। अगर हम कल भी कह रहे थे, हमारे प्रचार का प्रभाव तब हमको समझ में आए कि सुबह मंदिर खुलते ही लोग बाहर लाइन में खड़े हों कि गीता हमारे को 10 गीता चाहिए, हमारे को 15 गीता चाहिए, हमारे को ये, जब लोग ऐसे आने लगे तब समझ लो कि हमारा प्रचार काम कर रहा। जियो की सिम मुफ्त में लग रही थी, सुबह 4 बजे से लोग लाइन में खड़े होते थे। उसमें करना क्या है, हेलो हेलो करना था, और इसमें भगवान के साथ हरी हरी करना है। ये क्यों नहीं लेने के लिए लोग आते हैं, इसका मतलब अभी तक हम लोगों के हृदय में परिवर्तन नहीं कर पाए। कल हमने कहा था 225 रुपये तो मोबाइल का चार्ज हर महीने का सबको कराना पड़ता है, और उसके ऊपर सारा दिन हाय हाय करते हो, और ये 225 रुपये में आपके हृदय को शांति पहुंचाने वाला है, आपके पितरों को भगवान धाम पहुंचाने वाला है, इसको लेने के लिए क्यों नहीं आते, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं हम लोगों के हृदय में ये भाव उत्पन्न कर पा रहे। अरे भाई मेरे घर में एक पड़ी है, तुम्हारे घर में 10 आदमी के पास 10 फोन है और एक एक के पास 2 फोन है, तो तुम्हारे पास ये एक हर एक की अपनी अपनी पर्सनल कॉपी तो होनी चाहिए, ऑफिस कॉपी अलग होनी चाहिए, कार में अलग कॉपी होनी चाहिए। अरे एक भक्त मैं जानता हूँ दुबई में सारे भगवद गीता के श्लोक रेड लाइट में याद किए, रेड लाइट में गाड़ी खड़ी होती थी और श्लोक याद, और उसने उस वक्त तक 17 अध्याय याद कर लिए थे। तो एक रख दो ना गाड़ी में, हरे कृष्णा। कल 256 गीता मेरे बराबर तुले थे, और मैंने उधर क्लास में रात का, भाई देखो मैं तो अब बिक गया, 256 गीता के बदले मैं बिक गया जुहू में। अब आप लोग मेरे को मुक्त कराना चाहते हो तो 25 लोग 10-10 गीता जाके वितरण करो। तो कल 15 आदमियों ने वहाँ 10-10 गीता ले जाके वितरण करने का, अभी भी 10 आदमियों की जरूरत है जो 10-10 गीता वितरण करे, तब मैं यहाँ से मुक्त हो सकता हूँ। है कोई आप में से? कोई एक माता जी ने हाथ ऊपर कर दिया। हाँ जी बाबा, बाहर जाके वितरण करो, उसमें 2 फायदे हैं। एक तो आपको अनुभव हो जाएगा कि आप वितरण कर सकते हो, और दूसरा भगवान एकदम देखेगा कौन मेरी गीता वितरण कर रहा है, और एकदम भगवान ने उसको देख लिया। ये जो रानियां कहती हैं भगवान हमको देखते थे तो हम आकर्षित हो जाते थे, भगवान आपको देख लेगा जब आप गीता किसी को दोगे। हरे कृष्णा, 10 चाहिए हमारे मुक्त कराने के लिए, हमको 10 आदमी 10 गीता वितरण करे आज के दिन में। एक हाथ ऊपर हुआ, 9 और चाहिए, है कोई हिम्मत वाला? हरे कृष्णा। नहीं, रात वाले अच्छे थे, 15 हो गए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। साधु साधु साधु।